किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ बड़े पैमाने पर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जगह जगह पर रोका जा रहा है। किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ कुछ और मांगों के लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है, किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। किसानों का आंदोलन आज 8 महीने से चल रहा है, जो धूप सर्दी बरसात को भी हम झेल रहे हैं, यही स्थिति है, घाटा ही घाटा है। देश सहित पंजाब और हरियाणा सहित यूपी सहित पूरे देश को इसे क्षति ही क्षति है। ये अंधकार में ये इस कानून को पास किया गया, दुनिया के कारपोरेट घरानों को खुश करने और देश के कारपोरेट घरानों को खुश करने के लिए, उनको लुटवाने के लिए, उनको जो है फायदा कराने के लिए आज देश की जनता को ये बर्बाद कर रही है सरकार। आम पब्लिक को ये दिखता है, हमारे शहरियों को ये दिखता है, जितने भी लोग शहरों में रहते हैं उनको ये लगता है तो किसान का मुद्दा है और मुट्ठी भर किसान उनको लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे भारत के हमारे देश की जो आबादी है 135 करोड़ आबादी है, उसमें से करीब करीब 70 से 75 करोड़ लोग जो हैं वो किसान हैं। ये पूरे 70 से 75 करोड़ किसानों का मुद्दा है, और उसके साथ साथ हर भोजन करने वाले इंसान का मुद्दा है। किसान की रहेगी जमीन और कंपनियां करेंगी मजे, ये तो ठीक नहीं है ना। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा सिस्टम एक को मकमा के बना है। ये भूखे मरने ये काम कर रही है, किसान मजदूर को खत्म करने लग रही है। हम मजबूर हो जाएंगे, उनके बंदी हो जाएंगे, उल्टा देश गुलाम हो जाएगा। उनको किसान से आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ चंद कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं सिर्फ सिर्फ उन्हीं से मतलब। ये तुम्हारी ताकत जो है ना, ये बैठा बैठा ही घोड़ा चला रही है। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। नाम सब जानते हैं, आप बोलो। आप हम दो, हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो, हमारे दो। यहाँ पर हम बैठ के एक संदेश दे रहे हैं कि भाई हम जब पूरे किसान बैठ के मंथन करके हम आपको फिर भी हम लोग बार बार समझा रहे हैं कि इस कानून को आप जल्द से जल्द वापस करो। कोई भी कितना ही बड़ा तानाशाही हो जाए, कोई अगर इंसान को अगर पिंजरे में बंद करने की कोशिश करेगा ना, तो आप जानते हैं आज नहीं तो कल वो उसको तोड़ के बाहर निकल आएगा। असी ना थकन वाले, ना हारन वाले, ना हंबड़ हार वाले, ना डरन वाले, असी एदा ना समझे मोदी, हक लेके जावांगे इत्थों आपां। सरकार तो है ही तानाशाही, सरकार तो पहले बिकी हुई है, अडानी और वानी इसके बड़े बड़े घराने ना, इसकी पहला टाई अप हुआ हुआ है। बंदरगाह बेच दी, रेलवे बेच दी, और प्राइवेटाइजेशन कर दिया देश के अदारों का, जनतक अदारों का, यही मंडी और खेती में होना है। जब MSP के ऊपर कानून नहीं बनेगा सर, तो ये जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितना व्यापारी वर्ग है बड़ा बड़ा, वो अपनी मर्जी करेगा। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा, बिहार, वहाँ देखिए क्या हालत है। कानून में सब कुछ गलत है, ये अंबानी अंबानी कही कह रहा है, आधा कर लो, काला क्या है तो तुम बताओ ना, इसमें सफेद क्या है। आप उसको फील करो ना, उसको बदलो ना, कानून को एक देख देख दफा खारिज कर दो, फिर से दोबारा हमारे जो नुमाइंदे हैं, किसान नेता हैं, हमारे हमारा देश का विपक्षी दल है, सब लोगों को बैठाल करके, बैठ करके फिर से बनाओ कानून। अगर आप इतने चाहते हो कि हमने किसान का भला करना है, कानून नहीं सही करके तो असं इतने 11वें महीने के बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, रोलते फिरते हैं।
साढ़े सोने वर्गे वीर जेडे इत्थे भैणां बैठियां आ रोल दिया उन्होंने किसान किसानां रोल रहा है ये कद कुर्सी ते बैठा है इन्हें उतर जाना चाहिए कुर्सी तो। कानून एक कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये कानून पूरे देश के किसानों को बर्बाद करके रख देगा। कैसे? नंबर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, कोई किसान मान लो सोयाबीन बोता है, उसने अडानी से करार किया तो उसमें पहली बात ये कंपनी कहेगी क्या बोना है, कैसे बोना है, किसको बेचना है, कितना लेना है, कितना खाद डालना है, कितना बीज लेना है, ये पूरी जो शर्तें रहेंगी वो कंपनी के हित में रहेंगी। कंपनी ने कीटनाशक दवाइयाँ दे दी, बीज दे दिया, तमाम यंत्र दे दिए, यानी वो पैसा पूरा काम है आपका लिखा हो गया। जैसी फसल पैदावार होके आई तो क्या कर देंगे कि ये आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जिस क्वालिटी की हमको चाहिए थी उस क्वालिटी नहीं है। तो आप मुझे बताइए जब पूरे देश में किसान अलग अलग कंपनी के कॉन्टैक्ट कर चुके होंगे, वो अगर फसल नहीं खरीदेगी वो कंपनी, वो किसान कहाँ बेचेगा? कड़क उनने धरना लगा के निकाल लिया, नीचे पड़ गया, उन नीचे वाले नाम कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ बेचेंगे? अरे ये इतनी बड़ी कंपनी आने लग रही कि इस पर पैसे मांगेंगे। भोपाल में मंदसौर में परचून कंपनी है, उससे किसानों ने कॉन्टैक्ट किया फसल के लिए, जब फसल आ गई तो वो फॉर्च्यून कंपनी के कहती है हमारी ये अच्छी क्वालिटी का नहीं तो हम आपके नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पर भी ये धोखाधड़ी हुई। अगर आप और किसी को बेच सकते हो, आप गुजरात में एक ने आलू कंपनी को देकर मोटे मोटे बाकी जो आलू बचे थे वो एक दूसरे को बेच दिए थे, उस कंपनी ने किसान पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कानून दो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। फिर दूसरे में मंडी एक्ट, अभी पूरे देश में APMC मंडियां हैं, यानी सरकारी मंडियां हैं, उसमें जो व्यापारी होते हैं वो खरीदते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, अब प्राइवेट मंडी को हम लोग बढ़ावा देंगे। हिंदुस्तान की वैसे तो सारी मंडी है, पंजाब और हरियाणा यूपी की मंडी है जो ना पहले मंडी चलती है, बहुत बढ़िया सिस्टम है उसका। अगर जो किसी व्यापारी को खुल देनी है तो उस मंडी में आके खरीद लेवे, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये होगा भी हौली 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 पारले मंडी को उस किसान को थोड़ा फायदा देकर ना जो चलती है मंडी उसको नष्ट कर दीजिए। 2-3 साल तक तो ये हमको लोगों को बहुत अच्छा रेट देंगे। जब मुझे अच्छा रेट मिलेगा सरकारी मंडियों के एवज में तो स्वाभाविक है हर इंसान जो है वो अच्छे रेट की तरफ आगेगा, उधर चला जाएगा। जब मार्केट में माल सरकारी मंडियों में माल आएगा ही नहीं, कारपोरेट सेक्टर के सेक्टर में माल जाएगा तो सरकारी अदारे जो हैं वो बंद होने के कगार पे चले जाएंगे। सरकारी ने बोल रहे कि हम मंडी खत्म करेंगे, लेकिन आप प्रक्रिया देखिए, वो जो सरकारी मंडी में जो व्यापारी जो किसान से खरीदता है वो बेचता किसको था? वो बेचता तो दियो को था ना, बड़ी बड़ी कंपनी। जब बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट किसान से खरीदेंगी तो जो प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी खरीदेगा वो बेचेगा कहाँ? तो अपने आप में मंडी की हो जाएगी, सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी और टोटली पूरे जो किसान है कौन के गुलाम हो जाएंगे? बड़ी बड़ी पूंजीपति। तो इससे क्या हो जाएगा? तो सीधे सीधे जो किसान कर्जवान होंगे, कंपनी के कर्जवान हो गए, तो अब स्वाभाविक है कि पूरा जो खेती है अगर नहीं चुका पाएगा पूरी खेती कंपनी का हवाल हो जाएगी। ये कानून आने में देसी विदेशी कारपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा खाद खुराक और मंडी, जहां इसका सीधा संबंध है जो APMC मंडी है गवर्नमेंट का, फूड कारपोरेशन है इंडिया का, वो तबाह हो जाएगा, उसका भोग पाया जाएगा। मंडी बंद हो जाएगी बाबूजी, क्या खाएंगे हम तो भूखे मर जाएंगे, मोदी क्या करेगा? तो जब हमारे बिहार में काम भी नहीं है, यहाँ पे हम नहीं मिलेगा काम तो क्या करेंगे? जो पहले सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हमारे बाल बच्चे जो भी हैं ठीक सिस्टम चल रहा है जी, हम नहीं चाहते भी ये काला कानून पास हो गई। ये कानून गलत है जो तुम मंडी बंद करोगे, मंडी बंद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कानून तीन आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। तीसरा कानून है सब तो भयानक कानून है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के लिए, भयानक तबाही लाएगा जी, भूखमरी शुरू कर देगा ये कानून। जमाखोरी का कानून है ये, कारपोरेट देसी विदेशी कारपोरेट अडानी वानी, जहाँ सैलो है पंजाब में बहुत हजारा टन गेहूँ भर लिया, हजारा टन जो अनाज है वो सैलोज में भर लेगा, तो नकली
दिखा के अपना शॉर्ट भी शॉर्ट होगी इसकी, वो शॉर्ट होगी तो महंगे दाम में बेचेगा। बेरोजगार मजदूर किसान ये सब के सब जो है परेशान है, और ऐसे में जो है जो थोड़ी बहुत खेती किसान भी अगर ये भी बर्बाद हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा, विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय न तो रोजगार की समस्या हल करने का है, न जो है कोई जो है उद्योग धंधों का विकास हो पा रहा है। छोटे उद्योग धंधे सारे चौपट हैं, 5-6 लाख जो है उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसे में जो है बेरोजगारी की समस्या कृषि संकट से और बढ़ जाएगी, और इसका हल जो है राजनीति को, भारतीय राजनीति को निकालना होगा। कैसे निकालेगी, यह काम जो है विपक्ष का है। अब तो राहुल जी का अब ये दायित्व तो बनता है, एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते जो है अन्य जो है दलों को शामिल कर करके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, क्या हल हो सकता है, तभी स्थिति साफ हो सकती है। जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं, वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। असि कहने जो सच नु सच राहुल गांधी कह रहा है, गलत नु गलत कह रहा है, उसका सत्कार करते हैं, करो, करना चाहिए। लोगों ने बनाया है, एमपी लोगों ने चुन के तोरे हैं, लोगों की आवाज उठाओ, बनता है। अगर आप वाकई किसान हितैषी हो तो बिल्कुल संसद में आवाज उठाओ, पुरजोर आवाज उठाओ। आप वहां पे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, अगर वो आप करोगे तो पब्लिक आने वाले समय में आपका साथ देगी, नहीं तो आपको भी जैसे बीजेपी का विरोध हो रहा है हर जगह पे, इन पार्टियों का भी, रवायती पार्टियों जो है किसान, उनका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेगा, भले वो कोई भी पार्टी रहे। जो पार्टी किसान के साथ में खड़ी नहीं होगी, किसान उसका पुरजोर विरोध करेगा। गांधीवादी नीति से किसान आंदोलन चल रहा है, और अब हो सकता है या तो ये मान जाए, सिर पर के पानी फिर चुके है, नहीं तो भगत सिंह चंद्रशेखर सुभाष की नीति अपनानी पड़ेगी, या ये मान जाओ। वो जो कहता कही जाए, बदनाम करदा करी जाए, असि डर के इतों उठन वाले नहीं, भजन वाले नहीं है। मेरा आंदोलन जिस तरह चल रहा है चलेगा, अनवरत चलेगा। इस आंदोलन में कोई कमी नहीं होगी, कोई हतोत्साह नहीं होगी, एकदम अब देश की आंदोलन हो जाएगा। मोदी सरकार नहीं मान रही है तो देश के सभी राज्यों में जो है पूरा जनता आंदोलित हो जाएगी। हमारी जीत तो अवश्य होगी, उनके सारे फेल हो गए गांव, और ये अपना अनुभव है। ये बिल्कुल ही 2.5 साल पहले भग जाएगा, यहाँ से कैसे भी जाओ। अब किसानों ने घेर दिया, जन आंदोलन हो गया, सारे हिंदुस्तान फैलेगा। अगर ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो जैसे ये लोग सोच रहे हैं कि किसान को उखाड़ के बाहर फेंकना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बुलंद करना है, तो हम लोग भी ये ठान के बैठे हैं कि 2024 में पूरे भारत का किसान एकजुट होकर के इन लोगों को उखाड़ के बाहर फेंक देगा। गलत कितना का टाइम चल जाएगा, मोदी का सिक्का कितना टाइम चल जाएगा, कोई बात नहीं, समय है, उसको पावर है, चलाई जान दो, पर जमा आएगा। लोग भी तेन ता बढ़न देंगे गाँव में जो सही बहुत बोलोगे। उन झुकना पैना है, किसी दिन झुकूगा जरूर, झुका के ही हटांगे, वही धोन के गोडा हूँ रखे ही असि। आज सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं, और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है।